टाइम पे अगर आप आ रहे हो तो बहुत ही केयरफुल रहना, क्योंकि आप देखो ये कितना स्लिपरी हो रखा है। ये हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए देख लिया था, ज़ोरदार बारिश हो रही है और ये आप सामने व्यू देखो, क्या ज़ोरदार व्यू है भाई, पूरा गजब एकदम ऊपर, आपको पतरे में आवाज़ आ रहा होगा एकदम कट 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 करते, इतना बारिश देख लिया ना 3-4 दिन में, जो मजा आ गया एकदम। सो वेलकम बैक टू द चैनल, ये मेरे महाराष्ट्र रोड ट्रिप की तीसरी ब्लॉग है। अभी हम लास्ट ब्लॉग में हम कुंभे वाटरफॉल्स देखने गए थे और सीक्रेट वाटरफॉल देखने गए थे, उसके बाद हमने जो अपना स्टे है सीक्रेट वाटरफॉल के पास ही रखा था, और आज सुबह सुबह हम निकल गए हैं लोनावला के लिए। आज लोनावला जा रहे हैं, वहाँ घूमेंगे और लोनावला में आज हम खाएंगे मगन लाल की चिक्की, ढिंक की चिक्की, ढिंक की चिक्की। प्यारा रास्ता और इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग और मिलन, क्या वो महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे इंडिया में इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई है। अभी ये जो आपको बाजू में रिवर दिख रहा है ये पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, ऑलमोस्ट अभी जो नाम है पीछे भी ब्रिज क्रॉस किया है वो ऑलमोस्ट जो है टच कर रहा था वो ब्रिज, तो बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। इस वजह से इस बार बहुत सारे वाटरफॉल्स जो है क्लोज हो गए हैं यार। अभी तक हमने जो प्लान किया था वो तो हमने देख लिया है, बाकी अभी आगे देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर लिया है सुसु ब्रेक, वहाँ दीपक है, मिलन उधर गया सुसु करने, और रुपेश और मैं हम लोग सब सुसु कर चुके हैं। और ये देखो क्या रास्ता है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी गाड़ी चलती रहे और ऐसा ही रास्ता हो, बारिश होती रहे और चलते रहे हम। रुपेश क्या कहते हैं, भगवान पेट्रोल देते रहे, जरूर जरूर नहीं हवा से चले थोड़ी गाड़ी, रास्ता इतना बढ़िया है कि मजा ही आ रहा है। वही तो मजा आ गया भाई, मतलब मन हो रहा है कि बस ऐसे ही चलते रहे हम, गाने मस्त, बॉडी का डिटॉक्स है डिटॉक्स, हाँ गाने वाने मस्त चल रहे हैं जुबिन नौटियाल के, है ना। और मिलन कैसे हो भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। Cheers to life! तो अब हम लोग हाईवे पे आ गए हैं, ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है, वो लोग जैसे ही वीकेंड होता है पहुंच जाते हैं लोनावला, खंडाला घाट खंडाला लोनावला पहुंच जाते हैं वे लोग, और मानसून में कुछ ऐसा ही वेदर होता है लोनावला का, और जो परफेक्ट टाइम है लोनावला को विजिट करने का वो मानसून ही है। शाम को आखिरी याद आज भी हो के हम तुम जुड़ा। अभी रास्ते में हमने दो लोगों से पूछा, वो लोग अभी बोल रहे हैं कि कडालदार वाटरफॉल बंद है, लेकिन हम लोग अभी जाके देखेंगे, क्योंकि देवकुंड भी जब हम जा रहे थे तो सब ऐसे ही बोल रहे थे, जब भी हमने पूछा वाटरफॉल का सब बोल रहे बंद ही है, और कुछ अच्छी चीज वो जो उनके रिलेटेड तो बोलने वाला माहिती नहीं है, मतलब माहिती का है तो कडालदार वाटरफॉल सच में क्लोज्ड है अभी, क्योंकि यहाँ से रायगढ़ जो है वो पास में पड़ता है और वहाँ पे हुआ है लैंडस्लाइड, उसकी वजह से यहाँ भी बंद कर दिया है, बंद ही हो गया ना भाई, तो मतलब लोग जाते हैं अभी अभी नहीं जा सकते ना, कोई आगे ही नहीं जाता, वो बंद ही है कतलदार वाटरफॉल संडे तक बंद ही है। अच्छा तो यहाँ से छोटा मोटा वाटरफॉल तो पैदल जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर तक 3 वाटरफॉल है, पैदल जा सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ से राजमाची क्या नाम है, राजमाची फोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं अभी हम लोग क्या करते हैं। बाकी तो ये भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2-3 ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल है, आप वो देख सकते हो, क्योंकि कटलदर तो बंद हो गया अभी। और आप जानते ही होंगे ही इज अ फेमस ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर, और मुझे लगता है कि ट्रैवल पे जो बेस्ट कंटेंट है, अगर ट्रैवल फिल्म की बात करो, जो ट्रैवल वीडियोस की बात करो, तो मेरे हिसाब से बेस्ट जो है वो हमारे अंकित भाई है, बाकी व्लॉग्स लाइफस्टाइल व्लॉगिंग वो सब अलग कंटेंट है, लेकिन अगर ट्रैवल की बात आती है तो मेरे हिसाब से तो ही इज द बेस्ट। तो मैं बहुत फॉलो करता हूँ इनको और फॉर्चुनेटली आज मैं मिल पाया इनसे। थैंक यू सो मच अंकित भाई हमारे वीडियो में आने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नाइस टू मीट यू गाइस। अभी जो पीछे चेक पॉइंट आया था वहाँ पे 100 रुपीज़ की एंट्री थी अपने, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोई तो एंट्री है, और यहाँ से 8 किलोमीटर आगे है राजमाची फोर्ट, तो कडालदार तो नहीं जा पा रहे हैं तो वापिस जा रहे हैं, और पूरा 8 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ऐसा ही है रास्ता, तो यहाँ पे बीच में ही रास्ता पूरा खराब हो रखा, मतलब खड्डा है, इतना बड़ा खड्डा है, इधर तो आगे तो जा ही नहीं सकते, पता नहीं कैसे जा रहे हैं लोग राजमाची, अब देखते कोई और रास्ता हो तो। तो भैया हमारा सिस्टम अभी तक सेट चल रहा था, अभी हो गया सिस्टम हैंग,
तो गाड़ी यहाँ से आगे जा नहीं सकती हमें, तो ऐसा लगता है हमें कि इन्होंने जानबूझकर ना ये कर दिया है बीच में ताकि इधर कोई जा ना पाए, क्योंकि अभी बहुत रिस्की है उधर जाना। लेकिन अभी जो भी वहाँ से आ रहे हैं उनसे हमने पूछा तो सबने बताया कि नहीं नहीं आप जाना चाहो तो जा सकते हो। तो वी हैव डिसाइडेड, गाड़ी हमारे पीछे खड़ी है, वी हैव डिसाइडेड ये बीच में कर दिया इनने जानबूझ के कि कोई इधर से इधर ना जाए। देखो एक गाड़ी और है वहाँ पे खड़ी है, तो जिनको भी जाना है वो पैदल जा रहे हैं। मतलब अभी से यहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो वो हम पैदल चल के करने वाले हैं, जिसमें से हमारे साथ एक बंदा हमारे साथ नहीं है, मिलन, वो गाड़ी के पास है, उसको आना भी नहीं था। बाकी तो जो होगा देख लेंगे। वहाँ जो आपको सामने दिख रहा है वो है राजमाची फोर्ट, जो कि पूरा बादलों से ढका हुआ है, सॉरी फॉग से ढका हुआ है फिलहाल तो, और हो सकता है बादलों से भी ढका हो। तो काफ़ी टाइम बाद ऐसा एडवेंचर कर रहा हूँ मैं मस्त, तो आज मतलब फुल एडवेंचर हो रहा है भाई। इधर बारिश, पैदल चल के जाने का, बहुत सारे खाने पीने के भी शॉप्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमने एक छोटा सा बेक किया है, तो गुड्डे बिस्किट खाएंगे, पानी पियेंगे और निकलेंगे। वो ज़्यादा स्टेस नहीं है, आई थिंक 500 मीटर तक का होगा। खतरनाक रास्ता तो अब शुरू हुआ है, देखो ओ गॉड इतना ज़्यादा फॉग है, बाप रे बाप। रहना आराम से, इस टाइम पे अगर आप आ रहे हो तो बहुत ही केयरफुल रहना, क्योंकि आप देखो ये कितना स्लिपरी हो रखा है। यहाँ से वन मिस्टेक एंड तो हम लोग फोर्ट के टॉप पे पहुँच गए हैं। क्या जोरदार व्यू है, ऐसे खतरनाक व्यू है। इस साइड का फॉग हट गया है, तो फॉर्चुनेटली हमें यहाँ से व्यू दिख गया, जो कि बहुत ही शानदार है, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो अभी हम है लोनावला में और अभी हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट। ये अंकल को देखो गैंगस्टर लग रहे हैं एकदम मस्त, बोले हम बीड़ी बीड़ी पीते हुए। तो हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट, इडली। अभी इतनी सुबह हम निकल गए कि सारी दुकानें, मोस्टली दुकानें अभी ओपन नहीं हुई है, जो ओपन हुई है वहाँ समझ नहीं आया, अभी देखते हैं। अभी खुला रहेगा भटूरे दिल्ली में, छोले भटूरे बहुत खाए हैं, तो यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ के छोले भटूरे भी खाए अच्छे। तो ये एकदम गैंगस्टर जगह थी, और ये जो जगह है ये है खापोली में, और लोनावला के पास ही खापोली एक जगह है, वहाँ पे ये साई श्रवण होटल है, बहुत बढ़िया है, यहाँ का यहाँ पे कुछ भी ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया यार, मज़ा आया, चाय तो एकदम करा थे। और आपको बता दूं कि अंकित भाटिया के साथ हमारा प्लान था कि हम काटादार वाटरफॉल जाएं, और भाई पुणे में ही रहते हैं, तो बहुत टाइम से मैं उनको कॉन्टैक्ट कर रहा था, तो फाइनली वो रेडी हुए थे कोलैबोरेशन के लिए। तो मैंने और रुपेश ने पहले बात करी थी उनसे कि हम काटादार जाएंगे, लेकिन काटादार पहुँचते ही पता लगा कि काटादार वाटरफॉल बंद है, तो फिर वहाँ से हम राजमाची चले गए, और भाई को राजमाची नहीं आना था, वो वापस चले गए, तो हमसे मिले, बातचीत की, हमने फोटोज वोटोज लिए साथ में। अंकित भाटिया के साथ बहुत जल्द दूसरी व्लॉग आएगी, जल्द नहीं लेकिन आएगी। तो काटादार वाटरफॉल हम नहीं देख पाए थे, तो आज हम जा रहे हैं केपी वाटरफॉल देखने। इसको केपी वाटरफॉल को खापोली वाटरफॉल और जेनिथ वाटरफॉल दोनों ही बोलते हैं, और ये जो केपी वाटरफॉल है इंस्टाग्राम पे अभी के टाइम पे बहुत वायरल है, और सामने देखो क्या खूबसूरत रास्ता है, मज़ा आ रहा है रुपेश। हाँ भाई मज़ा आ रहा है, फुल मज़ा है, फुल मज़े आ रहे हैं हमारे को, पीछे सारे लोग, यो फुल, बस यही चाहिए अपने को। दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो, टाइम टाइम। बंद है अभी ये वाटरफॉल 15 अगस्त तक बंद है, और जेनिथ वाटरफॉल और ये जो केपी वाटरफॉल है दोनों सेम ही है। ओके अभी खुल नहीं सकता यार, 15 अगस्त तक चल के जा सकते हैं, चल के जा सकते हैं, लेकिन अभी जाना ही नहीं है। अबे यार एक बार फिर से ये भी वाटरफॉल बंद है यार। अभी हम लोग मुंबई से निकल रहे हैं, और मुंबई की हालत देखो आप, कितना बारिश, कितना पानी है यहाँ पे रोड सड़कों पे, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे भी, और उस चक्कर में ट्रैफिक लग रहा है। ये देखो आराम से आ रहा हूँ।
देखिए इन लोगों को मज़ा आ रहा है, मज़े ले रहे हैं सब। तो इस रोड ट्रिप को हम एक्सटेंड करने वाले थे, लेकिन महाराष्ट्र में वैसे तो हर साल ही बारिश होती है और वाटरफॉल देखने का मज़ा मानसून में ही है, इसलिए सारे लोग मानसून में ही प्लान करते हैं। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गया है, रायगढ़ में भी लैंडस्लाइड हो गया था। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कितने सारे वाटरफॉल्स बंद हो गए हैं, इवन जो देवकुंड है वो भी आई थिंक बंद हो गया होगा या बंद होने वाला होगा। तो रोड ट्रिप की ये थर्ड और लास्ट ब्लॉग थी, दिल्ली आया हूँ और दिल्ली में भी बारिश हो रही है। तो मैंने ब्लॉग वहाँ पे एंड नहीं किया था, वहाँ से अहमदाबाद होते हुए उसके बाद पहले वहाँ से हम अहमदाबाद आए, अहमदाबाद के बाद मैं सीधा दिल्ली आ गया। तो यहाँ पे ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। अभी मेरे मम्मी पापा भी दिल्ली आए हैं, जो लोग मुझे काफ़ी पहले से देख रहे हैं उन्हें पता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते, मैं दिल्ली में अकेला रहता हूँ। ये लोग होमटाउन में रहते हैं, अभी यहाँ पे घूमते आए, तो इनके साथ ब्लॉग बनाने का मन था लेकिन मैंने सोचा रहने देता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी कंफर्टेबल नहीं होती है कैमरे पे, पापा तो है। आई होप कि हमारी तरह ही आपने भी ये रोड ट्रिप हमारी एंजॉय करी होगी और आपको मज़ा आया होगा। तो हमेशा की तरह लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यहाँ तक आ गए। तो सो मिलता हूँ आपसे एक और नए एक्साइटिंग जर्नी के साथ। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग ऑलवेज।